before is up YouTube. Long time. I've been vlogging like after 6-7 months. So yeah, इस vlog में अभी मैं एक waterfall जा रहा हूँ. बारिश का सीजन यार, काफ़ी क्लेशियस सा vlog होने वाला ही है. काफ़ी restart करना था मेरे को, तो actually कोई topic मैं सोचे जा रहा था किसको लेके मैं restart करूँ, क्योंकि अंदर से बस वो ड्राइव सी नहीं आ रही थी कि मैं व्लॉगिंग वापस स्टार्ट करूँ. तो एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7 बजने वाला है. 6 बजे उठा था, सो के रेडी वेडी हुआ और अभी मैं पिक करूँगा रॉकी सर को. पीपल रॉकी सर, सर इंट्रोड्यूस करो. क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है खुद यार? दोस्त हूँ इसका, बड़ा भाई हूँ. यस, मेंटोर. और इन लाइफ सर आप मॉडलिंग वॉडलिंग थोड़ा सा बताओ. सर क्या बताओ यार, अभी जो नई मुंबई वाले उन लोगों को पता है कि मेरा इधर एक छोटा सा जिम हुआ करता हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ फिटनेस कोच एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडल स्लैश एक्टर. लाइफ कोच, यस है. थोड़ा जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ. वन लाइफ राइट, सो आई ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. दैट्स माई लाइफ मोटो. सो कर रहा हूँ ये सब चीज़ें. आई डोंट लाइक मेंटरिंग पीपल. पता नहीं मैं कैसे घुसा बोर नहीं हो गया. बट अगेन आई लाइक मेंटरिंग पीपल हु वांट टू बी मेंटर्ड. मैं ऐसा फोर्सफुली नहीं, आई डोंट सी दिस एज अ करियर. आई जस्ट लाइक हेल्पिंग आउट पीपल हु आर जो भटक गए, जैसे तू था. जब आदित्य मेरे पास आया था बहुत भटका हुआ था बेचारा. हमारी भी क्या स्टोरी है सर, हम लोग कैसे मिले. तो लॉकडाउन था 2020 एकदम फर्स्ट वाला. बता दो ना सर. हाँ बता दो. पीक वाला लॉकडाउन था, सब जिम्स बंद, सब कुछ बंद. और मैं उस टाइम, मेरे उस टाइम के व्लॉग्स देखे होंगे, तो मैं व्लॉग्स या वीडियोस जो भी, तो काफी थोड़ा सा हेल्दी सा था. मोटा तो, ईगो सैटिस्फाई कर रहा था. मोटा था, काफी मोटा था. काफी मोटा तो नहीं, काफी मोटा था. तो इनका जो मेरे बिल्डिंग के काफी साइड में ही था, मतलब एक नेक्स्ट बिल्डिंग के अंदर ही शॉप में इनका जिम था. तो मैं ऐसी कार से आते जाते शॉपिंग करने जाता था, घूमने नहीं. आते जाते देखता था कि वो वहाँ के लाइट्स कभी कभी ऑन है. और मैंने सर को काफी बार अंदर जाते ही भी देखा था. तो मैं एक दिन नीचे जाके खड़ा हो गया उनके जिम के. भाई एक घंटा खड़ा था. हाँ, मतलब कब आएंगे वो खिड़की के पास में आएंगे. तो कार्तिक सर नाम के थे उस टाइम, वो वर्कआउट कर रहे थे. कार्तिक सर देखा, मैं हाथ पाथ दिखाया कि नीचे होना नीचे होना. तो शायद वो डर गए होंगे, कह रहे लॉकडाउन में कौन आ गया वो नीचे बुला रहा है, फाइन पड़ेगा अभी. बोला नहीं वाला सर, ऐसे ऐसे है, मैं जिम लगाना है मेरे को, अगर आप वर्कआउट करें तो आपके साथ में आके दिन का एक घंटा मैं वर्कआउट कर लूँगा. तो फिर सर ने बोला कि मैं कॉल करके बता दो तेरे को कल तक, वो रॉकी भाई से पूछ के. तो मैं ठीक है सर बताओ. फिर अगले दिन कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आ जा, कोई सीन नहीं है. तो थैंक यू, उन्होंने ले लिया मेरे को. आई एम नॉट वेयर आई वांट टू बी, बट एक दो हफ्ते के बाद रॉकी सर से इंट्रोड्यूस करवाया. इनसे मैंने डाइट प्लान्स लिए, न्यूट्रिशन प्लान्स लिए. ट्रस्ट तो नहीं था क्योंकि इसके पहले भी मैंने डाइट प्लान्स लिए थे और वो नहीं काम किए थे. तो इनका थोड़ा वे अलग था सिखाने का, काम कर गया. मैं फर्स्ट टाइम मैंने कट किया, अपने बॉडी पे एब्स देखे मैंने, मज़ा आ गया था. तो पर उस टाइम से मैं काफ़ी, मतलब काफ़ी अनहेल्दी एक सा एक ऑब्सेशन हो गया मेरा एब्स से, कि मैं उसके बाद में आज तक कभी बल्क नहीं किया. मैंने इनके जिम में 1.5 महीने काम भी किया. डेढ़ महीना काम किया इसको देख के लगता हुआ कि है आराम से ऐसे एंजॉय कर रहा है लाइफ. नहीं, इसने स्ट्रगल भी किया. हाँ, स्ट्रगल किया वो, मतलब वो पैसे के लिए नहीं किया, उसने सीखने के लिए किया. दैट्स द बेस्ट पार्ट. इसलिए मेरे को और मन किया इसको गाइड करने के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरा छोटा वर्जन है. वो टाइम पे मेरे को कभी कोई गाइडेंस मिली होती तो मैं आज और थोड़ा आगे होता. इसलिए मतलब चलो करते है भाई को हेल्प. सो हो गए. पैसे भी मिले थे मेरे को सीखने के लिए, तो किया गया. पर पैसे ही मिले थे उस टाइम, तो मेरी फर्स्ट जो कमाई होती है, जो सैलरी होती है, वो सर नहीं दी थी. Thank you.
जन दिख रहे हैं ये वाले वाटरफॉल में, जो कि बहुत अच्छी बात है। कम लोग हैं, हम लोग इसलिए ही सुबह जल्दी आ रहे थे ताकि कम लोग हो। और ये वैसे भी एक सीक्रेट वाटरफॉल टाइप का है, ज़्यादा लोग को पता नहीं है इसके बारे में, तो कम ही लोगों ने थे यहाँ पे, एक्सपेक्टेड ही था। सर पानी में आ जाओ, गीले हो जाओ, होना ही पड़ेगा। और अपने जूते बचा रहे हो, फगे तो डीप है। Chasing gold. Only heaven knows if you can truly win in the midst of a world that's golden. How am I up right now? Nah. Still down. हो गया हमारा यहाँ पे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, काफी चिल किया, मजा आया। और टीशर्ट विशर्ट भीग गई थी तो फिर उतार दी। एक्चुअली नहीं यार, बस बॉडी शो ऑफ करने जिससे उतार गया। और वैसे वाटरफॉल का नाम गूगल मैप से या गूगल पे अगर आप लोग डालोगे ना, तो डालना शिरावने वाटरफॉल। शिरावने गांव है नवी मुंबई में, नेरुल में ही एक्चुअली। काफ़ी फेमस सी जगह नेरुल नाम की, अगर नवी मुंबई के बाहर का भी कुछ दिख रहा है तो फक। सो या यहाँ पर आओ तो मेरे को टैग करना, इंस्टा पे पोस्ट करना। ये मैंने रॉकी सर के ब्लॉग में सुना था, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। और दैट्स इट, अभी हम लोग कार में जाएंगे, कपड़े बदलेंगे, सर खाने के लिए कुछ चीज़ें लेकर आया, मैं डाइट कोक्स लेकर आया हूँ। और बस वो सब रिव्यू करेंगे कि हेल्दी स्नैकिंग वगैरह, सर थोड़ा सा थोड़ी सी नॉलेज देंगे। मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है आज के तारीख में, प्रोटीन लस्सी ब्रो। पता नहीं अमूल ने एक नया चीज़ निकाला है, पहले उन्होंने प्रोटीन बटर मिल्क निकाला, अभी एक प्रोटीन लस्सी निकाला है, मैंगो फ्लेवर, 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड नो एडेड शुगर। सो ये मेरा ट्रैवलिंग बड़ी है आज कल। मैं पूरे कश्मीर ट्रिप जब गया था इसका पूरा क्रेट लेके गया था। तो यू कैन ऑर्डर दिस डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट, 32 पैक्स का क्रेट मिलता है आपको, सम 1100-1200 रुपीज़, दिस इज़ प्रीटी चीप। सो गाइस ये रख लो, और मेरा कश्मीर का अगर ट्रिप नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप प्लीज़ वो भी देख लेना। और अगर ये मेरे ब्लॉग से देख रहे हो तो फिर मैं इनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। सो और इसके बाद दूसरा चीज़, ये हम लोग का दुख दर्द का साथी डाइट को, हर जगह मिलता है, कट के टाइम पे तो बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। और बहुत बड़ा मिथ है कि इससे प्रॉब्लम होता है, दिस इज मोर डेंजरस, कैंसर होता है, वो कैंसर होता है। अगर तुम अगर सिगरेट और दारू पी सकते हो ना बिना ये सब सोचे, तो ये भी पी सकते हो। तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि अच्छा क्यों होता है, बुरा क्यों होता है। अगर आपको जानना है तो कमेंट में बोल दो कि एक आपको वीडियो चाहिए इसके बारे में, कि वाई इज़ दिस गुड, वाई इज़ दिस बैड, ये भी मैं बता दूंगा। लेकिन ये वीडियो में हम सिर्फ बता रहे कि क्या खा रहे पी रहे, तो इस दुख दर्द ये अभी नहीं पियेंगे, हम चास इंजॉय करेंगे वो कार में भी। डर और लस्सी मैं फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ अमूल की, या कोई भी लस्सी मैं कभी पी नहीं है, मैंने आज तक लस्सी नहीं पी है, लस्सी नहीं पी है, नॉर्थ इंडियन में लस्सी नहीं है ना, छाछ बहुत पीता हूं, छाछ पसंद है मेरे को, लस्सी मीठी मीठी होती है, इतनी मज़ा नहीं आता। और मेरा तीसरा फेवरेट है ये प्रोटीन कुकीज बाय मैक्स प्रोटीन, 10 ग्राम प्रोटीन, बट इट हैज कार्ब्स, इट्स लाइक अराउंड 260 कैलोरीज, बट लेकिन पेट भर जाता है और एक स्वीट क्रेविंग निकल जाता है। कोई डेजर्ट खाने से अच्छा, डेजर्ट खाने से अच्छा तो ये ओवन में 10-20 सेकंड के लिए इसको गर्म करो, ये इसने बताया था 10-20 सेकंड, और एक नाटो की आइसक्रीम आती है शुगर फ्री वे आइसक्रीम, उसको बस एक स्कूप इसके ऊपर डालो, इसको गर्म करके, भाई
अलग लेवल, अलग प्रॉपर ऐसे डेजर्ट हो जाता और मंचीज विद प्रोटीन, मंचीज है, मंचीज है, अभी समझने वाले समझ जाएंगे क्यों मंचीज क्यों है, ट्राई कर लेना। तो ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है इसमें, चॉकलेट चिप कुकीज, इसमें 6-7 डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं। सो टिल देन चीयर्स गाइस, चीयर्स सर, चीयर्स चीयर्स। मेरे को तो अच्छा लगता है ये हरियाणा में, होगी लस्सी नहीं पीता क्या बोलूँ, कोई मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं पीता। नहीं नहीं, अभी मैं रिसेंटली प्योर वेजिटेरियन बना हूँ, पिछले डेढ़ महीने पहले। तो हाँ, वेजिटेरियन में 1500 कैलोरीज खाना भी बहुत ज़्यादा टफ है, जो नॉन वेज में बहुत ईजी हो जाता है, मतलब अगर प्रोटीन को इंक्लूड करोगे तो बोल रहा हूँ, मतलब वैसे तो 1500 खा सकते हो, बड़ा बहुत खा लिया। तो चलो हम एंजॉय करेंगे यहाँ से, फिर थोड़ा पेट पूजा करके निकलेंगे घर की तरफ। सो टिल देन गाइस, सी यू, बाय बाय।